लोकसभा चुनाव में वल्लभ नगर विधानसभा में हुए मतदान में कई नजारे देखने को मिले। लोगों में मतदान को लेकर विशेष जागरूकता नजर आई और नव मतदाता से लेकर वयोवृद्ध भी जोश व उत्साह के साथ मतदान करने के लिए बूथों पर पहुंचे थे। भिंडर नगर पालिका के बूथ नंबर 168 पर सोमवार को सुबह भिंडर निवासी लक्ष्मीलाल चौबीसा का निधन हो गया था, जिसका दाह संस्कार करने के बाद शाम को मृतक के पुत्र अंबालाल चौबीसा व पुत्र वधु ममता चौबीसा मतदान का महत्व समझते हुए मतदान बूथ पर पालिका अध्यक्ष हेमंत कुमार तेली के साथ में पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 66 राजकीय प्राथमिक विद्यालय कांट का कुआ पर मतदान दल के सदस्य सुरेश पालीवाल की मतदान प्रक्रिया के दौरान दोपहर 3 बजे तबियत बिगड़ गई, जिसको उदयपुर एमबी चिकित्सालय ले जाया गया, वहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वल्लभ नगर विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत ने अपने परिवार के साथ दोपहर करीब 3 बजे मतदान करने के लिए राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के बूथ नंबर 162 पर पहुंचे। उनके साथ धर्मपत्नी प्रीति कुंवर, दोनों पुत्रियों ने भी मतदान किया। वहीं पूर्व पालिका अध्यक्ष एवं शक्तिपीठ कालिका माता जी के मंडल अध्यक्ष देवेंद्र सिंह शक्तावत ने भी अपने परिवार सहित बूथ नंबर 162 पर मतदान किया। वहीं जनता सेना सुप्रीमो व पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर ने सुबह 11:40 पर बालिका स्कूल के बूथ नंबर 160 में पहुंचे। इनके साथ धर्मपत्नी व भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष दीपेंद्र कुंवर, पुत्र प्रणवीर सिंह भिंडर समेत पूरे राज परिवार के साथ में मतदान किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने परिवार के साथ अंगुली पर निशान बताकर लोगों से मतदान की अपील भी की। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं खास सुर्खियों पर।